आज के दिन 1991 में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने संसद में बजट पेश किया, जिसने भारत के लिए आर्थिक उदारीकरण के रास्ते खोले। इस प्रस्ताव ने विदेश व्यापार उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश का रास्ता खोला। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक माना जाता है। आज ही के दिन 1937 में फिल्म जगत के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार का जन्म हुआ था। मनोज कुमार को देशभक्ति में डूबी फिल्मों का सरताज माना जाता है। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति उनकी मुख्य फिल्में थीं। आज ही के दिन 1974 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को आदेश दिया था कि वो वाटरगेट स्कैंडल से जुड़े सारे टेप्स जांच एजेंसियों के हवाले कर दें। विशेष अभियोजक ने आरोप लगाए थे कि उन टेपों में इस बात के सबूत हैं कि राष्ट्रपति निक्सन खुद वाटरगेट मामले को दबाने में शामिल थे। आज ही के दिन 2000 में एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। भारत में शतरंज ओलंपियाड में सर्वाधिक पदक जीतने वाली वो पहली महिला हैं। राष्ट्रीय आयु वर्ग से लेकर उन्होंने शीर्ष पदकों पर अपना कब्जा जमाया।